लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्तों पर मुख्तलिफ अहम मुकदमात की समाअत आज होगी। पार्टी सरबराही से हटाने के इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही पर 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत भी होगी। जमान पार्क में पुलिस कार्रवाई के मामले पर इमरान खान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। जहलों में सुहाबा जीटी रोड पर कार और ट्रक में तसादुम, हादसे में 3 खवातीन जाँ बहक, बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा बारिश के बाद फिसलन की वजह से पेश आया। कराची के इलाके लांडी में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक मुलजिम फरार हो गया। गिरफ्तार डाकू के कब्जे से असलहा, छीनी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। नारोवाल में मुफ्त आटे के हसूल के लिए सुबह सवेरे शहरियों की लंबी कतारें, शहर में सिर्फ एक ही आटा सेल पॉइंट कायम, शहरियों को आटा लेने में शदीद मुश्किलात का सामना। और लाहौर में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी दरिया रावी की बहाली के लिए कोशां, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब करने के लिए 2 कंपनियों ने दिलचस्पी जाहिर कर दी। सीईओ के मुताबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मुल्क का सबसे बड़ा पानी साफ करने का मंसूबा होगा। जून 2024 में 2 ट्रीटमेंट प्लांट्स को फाल कर दिया जाएगा।